रिडक्शन बेस नेम रिएक्शन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। जितने भी रिएक्शंस हैं पहले हम बात करेंगे रिडक्शन की, और रिडक्शन में जितने भी रिएक्शंस आते हैं उनके बारे में बात करेंगे। टॉपिक क्या हमारा नेम रिएक्शन है, और नेम रिएक्शन में मैं हर एक कैटेगरी को पहले बताऊंगा और उस कैटेगरीज में जितने रिएक्शंस आएंगे उन सबको हम उन सब के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल हम रिडक्शन की बात कर रहे थे कि रिडक्शन बेस्ड नेम रिएक्शंस हमारे कौन कौन से आपको पढ़ने हैं। तो आपको मेनली बर्च रिडक्शन पढ़ना और क्लेमेंजन रिडक्शन पढ़ना है, ठीक है। वो दोनों ही आप जानते हो अच्छे से, ठीक है। बर्च रिडक्शन एंड क्लेमेंजन रिडक्शन दोनों ही जानते हो, ठीक है। जनरली क्या है कि बर्च रिडक्शन आप बहुत ज्यादा पढ़ते हो, बहुत सारा यूज है इसमें, हमेशा रिएक्शंस में कहीं कहीं आप फंस ही जाते हो कि बर्च रिडक्शन में कहीं ना कहीं आपको दिक्कत आती है, प्रॉब्लम आती है। इसके बिहाफ में मैं आईटी जैम के बारे में बताऊं तो आईटी जैम में भी बहुत क्वेश्चंस आते हैं बर्च रिडक्शन पे, और जेआरएफ में भी। जेआरएफ में क्या होता है कि आपको जब भी बर्च रिडक्शन की बात आती है तो पता है आपको मल्टीपल स्टेप रिएक्शंस होते हैं, जिसमें हमें ए रिएजेंट दे देते हैं, बी रिएजेंट दे देते हैं, ठीक है, एंड बहुत सारे और रिएजेंट्स दे देते हैं, ठीक है। तो जब भी ऐसे रिएक्शंस आते हैं तो बर्च रिडक्शन बहुत हेल्पफुल होता है नया जो अभी आपको प्रोडक्ट बनाना है उसके लिए। जब आपको बर्च रिडक्शन में अगर प्रॉब्लम आएगी तो आपका रिएक्शन भी, आपका जो प्रोडक्ट होगा वो गलत होगा। अल्टीमेटली ऐसा बहुत लोगों को मैं देखा हूँ कि सारा हर एक चीज आपको पता रहती है, स्टिल आपका बर्च रिडक्शन आते हुए भी गलत हो जाता है। बहुत लोगों से मैंने सुना है जेआरएफ में, ठीक है, जेआरएफ के जब भी क्वेश्चन वो अटेम्प्ट करते हैं, ठीक है। तो ये रिडक्शन है क्या जनरली, तो बर्च रिडक्शन स्टार्ट होता है विद, हम जहां तक हम जानते हैं, इट इज ऑर्गेनिक रिडॉक्स रिएक्शन। ऑर्गेनिक रिडॉक्स रिएक्शन है, ठीक है, और होता किस किस के साथ है। जनरली हम कंजुगेटेड डबल बॉन्ड्स लेते हैं, जैसे कंजुगेटेड अल्कीन, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन्स, एरोमेटिक रिंग्स, और जितने भी अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं उनके प्रेजेंस में हम ये रिएक्शंस करते हैं लिक्विड अमोनिया, ठीक है। समझ में आ रहा है सबको? तो जनरली बर्च रिडक्शन में सबसे पहली बात तो ये है कि इंटरमीडिएट क्या बनता है आपका, मेनली हम उसको क्या बोलते हैं, रेडिकल एनायन इंटरमीडिएट, राइट, यही बोलते हैं ना, रेडिकल एनायन इंटरमीडिएट। अच्छा, होता कैसे है, क्या होता है, और किस कैसे हम इसको जो इंटरमीडिएट है कैसे हम उस जगह पे पहुंचते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया, ये रिडक्शन जो है वो जनरली डबल बॉन्ड्स जैसे कि कंजुगेटेड अल्कीन, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन्स और एरोमेटिक रिंग्स पे होता है। यहाँ पे सोडियम लिथियम दोनों यूज हो सकते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में, ठीक है, और लिक्विड अमोनिया में होता है। लिक्विड अमोनिया का यूज क्या है, यहाँ पर कोई बता सकता है लिक्विड अमोनिया का यूज क्या है, हम क्यों सोडियम को डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, लिक्विड अमोनिया में ही क्यों यूज कर रहे हैं, ज्यादा रिएक्टिव होगा क्या, किसकी कौन सी रिएक्टिविटी। जनरली क्या होता है जब भी हम बात करते हैं सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन्स की, इलेक्ट्रॉन जब सॉल्वेटेड हो जाता है और हम खासकर इनकी बात करें सोडियम या लिथियम की, तो ये इनकी रिड्यूसिंग पावर क्या हो जाती है, बहुत इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। जब हम सोडियम को लिक्विड अमोनिया में लेते हैं तो क्या होता है, जनरली क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन है सपोज आपका, ठीक है, इसके चारों तरफ क्या होगा, NH3 आपको दिखने लगेगा, ठीक है। ये NH3 क्या होता है, ये सॉल्वेटेड स्टेट में इस तरीके से आपको दिखेगा, ठीक है, कुछ इधर दिखेगा, इधर दिखेगा, तो ये सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन होता है और इसकी रिड्यूसिंग पावर क्या होती है, ज्यादा होती है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, और हम बात करें अगर वेट, मैं बात कर रहा था कि क्या होता है, ठीक है, तो हमारे पास जो सोडियम है वो लिक्विड अमोनिया में क्या हो जाता है, उसकी रिड्यूसिंग पावर बढ़ जाती है ड्यू टू द अमोनिएटेड या सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन की हम बात करें, ठीक है। सिमिलरली सोडियम इन लिक्विड अमोनिया विल एक्ट एज अ सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, जब भी हम सोडियम को लिक्विड अमोनिया में डालेंगे तो क्या होगा, दैट विल एक्ट एज अ सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल, राइट। हमारा सबस्ट्रेट कैसे है, जनरली हम तब की बात करते हैं इस पूरे रिएक्शन में कि हमारे सबस्ट्रेट कैसे होंगे, तो अभी मैंने बताया क्या कि आपके कंजुगेटेड क्या है, एल्कीन्स आपके पास,
ठीक है, कंजुगेटेड एल्कीन्स है, ठीक है, एरोमेटिक रिंग्स भी हो सकती हैं इसमें सब आपके सबस्ट्रेट में, एरोमेटिक रिंग्स भी हो सकती हैं आपकी सबस्ट्रेट बर्स्ट रिडक्शन में, ठीक है। इंटरमीडिएट आपका क्या होगा, इंटरमीडिएट आपका क्या होगा, रेडिकल एनायन इंटरमीडिएट है आपका, ठीक है, रेडिकल एनायन इंटरमीडिएट होगा। प्रोडक्ट क्या होगा, कोई प्रोडक्ट बता सकता है, प्रोडक्ट क्या होगा, जनरली एरोमेटिक रिंग्स में क्या होता है, 1,4-1,4 डाइन बनता है, ठीक है, जनरली एरोमेटिक रिंग्स की बात करें 1,4 डाइन बनता है, या फिर हम बोल सकते हैं कि डाइहाइड्रो डेरिवेटिव्स आपके बनते हैं, ठीक है, डाइहाइड्रो डेरिवेटिव्स होंगे आपके, क्लियर, ठीक है, ये आपके प्रोडक्ट होंगे। तो जनरली आपके बर्स रिडक्शन में क्या आपका सब्सट्रेट क्या है, कंजुगेटेड एल्कीन्स, एरोमेटिक रिंग्स पे भी हो सकते हैं रिएक्शंस, इंटरमीडिएट आपका रेडिकल एनायन बनता है, प्रोडक्ट आपका 1,4 डाइन या डाइहाइड्रो डेरिवेटिव्स होंगे, ठीक है, ठीक, इतना समझ में आया। जब भी हम बर्स रिडक्शन करते हैं इंटरनल अल्काइन्स पे, सपोज इंटरनल अल्कीन या अल्काइन्स पे करते हैं, ठीक है, तो होता क्या है कि हमें क्या मिलता है, इंटरनल अल्काइन पे अगर रिएक्शन करें तो क्या होगा, वी विल गेट ट्रांस अल्कीन, ये बात मालूम है, ठीक है, जब भी हम बात करते हैं इंटरनल अल्काइन्स की तो हमें क्या मिलेगा, ट्रांस अल्कीन मिलेगा जब हम सोडियम इन लिक्विड अमोनिया यूज करेंगे फॉर बर्ड्स रिडक्शन, ठीक है। कंजुगेटेड अल्कीन्स की बात करें तो हम फिलहाल बात करेंगे इसके मैकेनिज्म की, ठीक है, इससे पहले मैं ये पीडीएफ आपको शेयर कर दूंगा, आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या चीजें हैं जो आपको, छोटी छोटी चीजें जो आपको पता होनी चाहिए रिलेटेड जो भी बर्ड्स रिडक्शन से जुड़ी हुई हैं, ठीक है, थीके? तो अगर हम मैकेनिज्म की बात करें, ठीक है, मैकेनिज्म में जनरली मैं क्या ले रहा हूं, ये एल्कीन लिया मैंने, ठीक है, और हम डाल रहे हैं सोडियम इन लिक्विड अमोनिया, क्या होगा, सोडियम इन लिक्विड अमोनिया एक इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करेगा, दैट विल एक्ट ऑन दिस साइड इन दिस बॉन्ड शिफ्ट ओवर हियर, ठीक है, तो क्या बन जाएगा आपके पास, क्या बन जाएगा, ये क्या है आपका, यही तो रेडिकल एनायन है, ये आपका क्या बनेगा, रेडिकल एनायन, ठीक है, इसके बाद क्या होगा, ये बना कैसे, यहाँ पे एक क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हुआ एंड देन दिस बॉन्ड शिफ्ट ओवर हेयर, ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होकर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, क्लियर, समझ में आ रहा है, उसके बाद क्या होगा कि आपके पास क्या है, दैट अमोनिया, इसका काम क्या होता है, अमोनिया का कोई बताएगा, यहां से क्या काम आएगा, अमोनिया क्या काम करता है, अगर हम लिक्विड अमोनिया इथानॉल और कोई भी अल्कोहल यूज करते हैं तो दे विल प्रोवाइड प्रोटोन, क्या करेंगे वो, प्रोटोन प्रोवाइड करते हैं, तो यहां पर जो ये नेगेटिव चार्ज आया है, अगर मैं इसकी और फर्दर स्टेट बनाऊं, मतलब ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करूं और ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करूं, देन वी विल गेट दिस, यहाँ ये नेगेटिव चार्ज आ जाएगा एंड दिस इलेक्ट्रॉन विल बी हियर, ठीक है, एंड दिस, ये जो नेगेटिव चार्ज है वो क्या करेगा, एक प्रोटोन को ले लेगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है, और हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन आके लग जाएगा, ये वाला हाइड्रोजन जो है वो यहाँ लग जाएगा, ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज की जगह पर, ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, इस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है, फ्रॉम दिस अमोनिया, तो यहाँ पे अमोनिया क्या कर रहा है, दैट विल एक्ट एज अ प्रोटॉन डोनर, क्लियर, समझ में आ रहा है। अब ये नेगेटिव चार्ज की बात आती है कि अब क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन फिर से कहां पर एक्ट करेगा, हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन था,
ऑलरेडी, ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है यहीं पर ये इलेक्ट्रॉन एक्ट करेगा और ये क्या बना देगा, नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर क्या आ जाएगा, देर विल बी अ नेगेटिव चार्ज ओवर हियर, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, अगेन दैट अमोनिया विल एक्ट एज अ प्रोटोन डोनर, ये क्या करेगा यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट करेगा इसको और यहाँ पर क्या आ जाएगा, अल्टीमेटली आपका प्रोडक्ट क्या होगा, यहाँ हाइड्रोजन आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ हाइड्रोजन आ जाएगा, कुछ ऐसा प्रोडक्ट होगा आपका, समझ में आया, कुछ ऐसा ही प्रोडक्ट होगा आपका, मतलब आपके पास प्रोडक्ट क्या आया है, समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया ना। अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दूं, ये आपने बर्थ रिडक्शन पढ़ा हुआ है, इसका प्रोडक्ट क्या होगा, कोई बता सकता है इसका प्रोडक्ट, मैं नंबरिंग कर देता हूं ताकि आपको इजी इजी से पता चल जाए, ये वन है, ये टू है, ये थ्री है, ये फोर है, अगर आपको बॉन्ड शिफ्ट करने हो, इसका प्रोडक्ट क्या होगा, ई है ये, अगर आप ध्यान दो तो वही तो है सेम, क्या अलग कर दिया मैंने, कुछ अलग नहीं किया, अगर आप ध्यान दो मैंने वही तो किया है, कुछ अलग किया है क्या, ये देखो मैं इसको अगर यहाँ से इसको रब कर दूं, सॉरी मैं अगर इसको रब कर दूं तो ये यही तो है, ये यही तो है, यही है ना, सेम ही तो है, तो हमने वही तो रिएक्शन किया और वैसे ही प्रोडक्ट आया हमारे पास, समझ में आ रहा है, सिर्फ आप लोग जो मैकेनिज्म होता है उसको अप्लाई करने की कोशिश क्या करो, हमेशा वो रिएक्शन इजी वे में हो जाएगा अगर आप ध्यान दोगे तो, आप अगर आगे पीछे की चीजें देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है, समझ में आया, ठीक है। अच्छा अगर हम अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कीटोन्स की बात करें, अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कीटोन्स पे हम वर्स रिडक्शन कर रहे हैं, ठीक है, तो आपका प्रोडक्ट कैसा आएगा, ठीक है, तो हमारे पास हमारा सबस्ट्रेट है, ये हमारा सबस्ट्रेट, ठीक है, दैट इज अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कीटोन, और इसमें मैं डाल रहा हूं क्या, सोडियम इन लिक्विड अमोनिया, ठीक है, और आपका कोई अल्कोहल, ठीक है, क्या होगा, कहाँ एक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन, ये सब आपको बताना है, तो बताओ क्या होगा, वो नेगेटिव बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पर आपके पास इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, दैट इज रेडिकल एनायन, ठीक है, अब क्या होगा, ये आपका रेडिकल एनायन है, ठीक है, ठीक, इसके बाद क्या होगा, हमारे पास यहाँ पे प्रोटॉन डोनर कौन है, अमोनिया, अमोनिया नहीं है, ये किसलिए दे रखा है, ये सोडियम को इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन सोडियम का है, अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रहा है टू द सबस्ट्रेट, ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा है ना, ये जो इलेक्ट्रॉन है सोडियम का, ये अमोनिएटेड होगा तो इजिली एक्ट करेगा एंड इट्स रिड्यूसिंग पावर विल क्या होगी, ज्यादा होगी इसकी रिड्यूसिंग पावर, ठीक है, इनहेंस करने में हेल्प करता है इसकी, सोडियम के इलेक्ट्रॉन की रिड्यूसिंग पावर, ठीक है, हाँ, तो अगेन क्या होगा, ये वाला बॉन्ड शिफ्ट करेगा या क्या होगा, ये वाला बॉन्ड शिफ्ट करेगा यहाँ पर या यहाँ से एक्ट करेगा, ये प्रोटॉन ले लेगा ये वाला, ठीक है,
क्या बन जाएगा आपका, यहाँ पर एच आ जाएगा और ये बन जाएगा। अभी भी हमारे पास यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन, राइट। अब क्या होगा इसके बाद, फिर एक इलेक्ट्रॉन लेगा, फिर एक इलेक्ट्रॉन हम देंगे इसको, समझ में आ रहा है, ये इलेक्ट्रॉन फिर से एक देंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, देयर विल बी अ नेगेटिव चार्ज ओवर, ठीक है, यहाँ तो जैसा था वैसे ही रहेगा। फिर क्या करेंगे, अगेन आपका जो प्रोटॉन डोनर है वो क्या करेगा, यहाँ से प्रोटॉन नेगेटिव चार्ज एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा एंड आपका प्रोडक्ट अल्टीमेटली क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका प्रोडक्ट, इसमें दोनों एच ये लगे, ठीक है, दैट विल बी योर प्रोडक्ट, ठीक है, ये आपका प्रोडक्ट्स का ही होता है ना, ठीक है। हाँ, जनरली जब हम अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन्स की बात करते हैं और सोडियम इन लिक्विड अमोनिया की बात करते हैं, तो अगर आपके पास एक सिंपल सी ट्रिक हम यूज कर सकते हैं टू सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स, ठीक है, ट्रिक क्या है इसके लिए, कि आपको सिर्फ और सिर्फ डबल बॉन्ड्स रिमूव करने हैं और हमें प्रोडक्ट मिल जाएगा, ठीक है। प्रोडक्ट कैसे मिलेगा, जो भी आपका मैकेनिज्म है वो माइकल एडिशन टाइप का है, ठीक है, और आपका रेडिकल एनायन इंटरमीडिएट बन रहा है, यही हो रहा है ना, यही हो रहा है। ये सपोज ये रिएक्शन जो था, हमने क्या किया इसमें, सिर्फ और सिर्फ क्या किया, सिर्फ हमने डबल बॉन्ड जो था वो क्या कर दिया, हटा दिया, रिमूव कर दिया। तो आप जब भी डबल बॉन्ड रिमूव कर दोगे आपको आपका प्रोडक्ट मिल जाएगा, जब भी आप सोडियम इन लिक्विड अमोनिया से ट्रीट किया होगा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन। दैट ट्रिक किस पे अप्लाई कर सकते हैं हम, सिर्फ और सिर्फ अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन की मैं बात कर रहा हूँ, सबकी नहीं बात कर रहा हूँ, समझ में आ रहा है ना। अगर आपके पास अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड क्या है, सबस्ट्रेट है आपका, तो आपको सिर्फ क्या करना है, डबल बॉन्ड्स को रिमूव कर देना है, डबल बॉन्ड को रिमूव करके आपका प्रोडक्ट आ जाएगा। लेकिन फिलहाल अगर आपको सिंपल इसी तरीके का ये सब्सट्रेट हो, मैंने तो सिंपल सब्सट्रेट बनाया ना, ठीक है, तो आपको प्रोडक्ट सिंपल ही बनाना होगा, प्रोडक्ट में स्टीरो नहीं यहाँ पे डिफाइन करनी आपको, ठीक है, समझ में आ गया। अच्छा, अगर हम बात करें, मैं एक और एग्जाम्पल लेता हूँ उसकी बात करते हैं, ठीक है, हमारे पास है ये दोनों ही अब ओके, सपोज ये हमारे पास, ठीक है, फिर से हम माइकल एडिशन टाइप का ही रिएक्शन करेंगे, ठीक है, क्या होगा आपको, पहला ये दे रखा है, दूसरा दे रखा है आपको, ये दे, ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा, दैट इलेक्ट्रॉन विल एक्ट ऑन दिस, ठीक है, ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, वहां पर एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन दिखेगा, अगर मैं इसको ऑर्बिटल में डाल दूं तो कोई किसी को कोई दिक्कत, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ठीक। यहाँ पर बात करेंगे स्टीरियो की, तो स्टीरियो में जब हम बात करते हैं इसका सबसे स्टेबल फॉर्म क्या बनेगा, कोई बता सकता है इसका, इसका स्टेबल फॉर्म क्या बनेगा, कन्फर्मेशन स्टेबल कौन सा होगा, चेयर फॉर्म, बोर्ड फॉर्म, हाफ चेयर, क्या स्टेबल होगा अगर हम इसकी बात करें, क्या स्टेबल होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आया हुआ है, बच्चों ने गलत किया है इसलिए बात कर रहा हूं मैं इसको, क्योंकि जो कंफ्यूजन और लोगों को होता है उसी की बात मैं कर रहा हूँ। जनरली जब भी हम सबस्ट्रेट की बात करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम स्टीरियो, मैंने आपको सबको पढ़ा रखी है, ठीक है,
स्टीरियो में आप क्या करोगे, इसके स्टेबल फॉर्म्स बनाओगे। स्टेबल फॉर्म्स में जो आपका आएगा, मैं बता देता हूँ, इसका स्टेबल फॉर्म हाफ चेयर होगा। ठीक है, जब हम हाफ चेयर की बात करेंगे तो हाफ चेयर में जब हम अटैक करते हैं, दैट इलेक्ट्रॉन विल अटैक, क्या होगा, एक्सियल से अटैक होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि हाफ चेयर में जो मिथाइल होगा वो कहाँ लगा होगा, दैट इज ऑन इक्विटोरियल पोजीशन। विच, कौन सा मिथाइल, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये कहाँ आप लगाओगे, इक्विटोरियल पे। ठीक है, तो एक्सियल से आपका अटैक होगा, मतलब ये जो पोजिशन है वो एक्सियल है और ये क्या है, ये इक्विटोरियल है। ठीक है, कोई दिक्कत? तो अटैक कहाँ से हो रहा है, एक्सियल से हो रहा है। ठीक, बाकी लोग कहाँ हैं? ठीक है, समझ में आ रहा है ना, समझ में आया कि नहीं आप लोगों को? प्लीज अनम्यूट करके आंसर दो एंड देन म्यूट कर दिया करो। हाँ बताओ, आ रहा है समझ में क्या मैं बोल रहा हूँ? यस सर। हाँ ठीक है, तो हमारा जो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ एक्ट किया होगा तो ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ होगा और ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ होगा। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर जो आएगा दैट इज ओ नेगेटिव इधर आ जाएगा और ये वाला बॉन्ड यहाँ आ जाएगा। अगेन सेम काम होगा, यहाँ पर हमारे पास सोडियम इन लिक्विड में पहले हमारे पास क्या था, हमारे पास कुछ ना कुछ प्रोटोन, कोई प्रोटोन डोनर एक्ट करता था, लेकिन यहाँ पर हमारे पास प्रोटोन डोनर नहीं है, तो प्रोटोन डोनर की जगह हमें सब्सट्रेट में ये दे रखा, सॉरी रिएजेंट में ये दे रखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, फिर से कंजुगेटेड अटैक करेंगे, और आपको पता है कि बहुत ईजिली अटैक होगा यहाँ पर। ठीक है, कंजुगेटेड अटैक में ये क्या होगा, ये वाला जो बॉन्ड है ये कहाँ जाएगा, यहाँ एक्ट करेगा। ठीक है, That bond will shift over here and BR क्या हो जाएगा, leaving group, अच्छा है, remove हो जाए, ठीक है, निकल जाएगा, तो आपका जो बनेगा next step में वो क्या होगा और कहाँ होगा, ठीक है, that methyl is on equatorial position, ठीक है, ये axial पे होगा, ठीक है, ये अटैक कहाँ पर होगा, ये जो अटैक हुआ है ये वाला, ठीक है, ये जो अटैक हुआ है ये कहाँ पर लगेगा जाके, कोई बता सकता है? ये भी जाके एक्सियल पे ही लगेगा। ठीक है, ठीक है, एक्सियल पे लगेगा। ठीक है, तो हमारे पास ये मिल जाएगा। ठीक है, अगेन इलेक्ट्रॉन कहाँ पे एक्ट करेगा, यहाँ पर। ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये एक्सियल है। ठीक है, यहाँ पर आपके पास नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? यस आ रहा है ना समझ? अब क्या होगा, यस सर, अब तो हमें कुछ ना कुछ चाहिए, क्या चाहिए, क्या चाहिए, ये नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करना है मुझे, राइट? तो हमें क्या चाहिए, कोई ना कोई प्रोटोन डोनर, तो यहाँ पे कौन करेगा, NH3। ठीक है, सिंपल है, समझ में आ रहा है? तो क्या होगा, यहाँ पर इस नेगेटिव चार्ज को ये जो है चार्ज, ठीक है, एच ले लेगा, तो क्या बन जाएगा आपका, ट्यूटोरियल पे होगा और जो हाइड्रोजन लगेगा वो एक्सियल पे। ठीक है, यहाँ पर ये भी एक्सियल पे होगा। ठीक है, समझ में आया? ये सब जो हो रहा है रिएक्शन वो क्या हो रहा है, किस पे हो रहा है, चेयर फॉर्म पे हो रहा है। ठीक है, प्रोडक्ट क्या बन जाएगा आपका,
प्रोडक्ट आपका बन जाएगा जब आप बनाओगे तो आपने को एक प्रॉब्लम आएगी, आपको स्टेबल फॉर्म बनाना है। अगर नहीं बनाओगे तो ये वाला आपका प्रोडक्ट होगा, दैट विल बी योर प्रोडक्ट। ये जो बनेगा ये दोनों एबव पे आपको दिखेंगे, ठीक है, लेकिन दोनों एबव पे नहीं, ये वाला बिलो पे रहेगा और ये वाला क्या रहेगा, एबव पे रहेगा, ठीक है, समझ में आया? हाँ, यहाँ पे बिलो नहीं रखना है, इसको एबव रखना है, ठीक है।